यमुना नदी उफान पर आ चुकी है। यमुना का जलस्तर सुबह 10 बजे 206.20 मीटर पहुंच गया है। दिल्ली में देर शाम तक जलस्तर में और बढ़ोतरी की आशंका है। इस साल दूसरी बार ये स्थिति पैदा हुई है कि यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंचा है। यही नहीं, 2022 के उच्चतम स्तर पर यमुना का जलस्तर पहुंच गया है। इसी साल 13 अगस्त के दिन यमुना का अधिकतम जलस्तर 205.99 मीटर रिपोर्ट हुआ था। लगातार बढ़ रहे जलस्तर से यमुना किनारे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। दिल्ली में यमुना के बढ़े जलस्तर के कारण अगले 48 घंटों तक स्थिति गंभीर बने रहने की आशंका है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं जी मीडिया संवाददाता तरुण कुमार से। तरुण, अभी भी ये आशंका जताई जा रही है कि शाम तक जो है जलस्तर बढ़ सकता है, क्या तैयारी प्रशासन की? देखिए, ये प्रशासनिक तैयारियों के ही कारण है जो हम यहाँ पर फ्लड एंड इरीगेशन डिपार्टमेंट की एक बोट के अंदर सवार होकर ताज़ा हालात जानने के लिए, जमीनी हकीकत जानने के लिए यमुना नदी के अंदर ही मौजूद हैं। और मेरे पीछे जो आप तस्वीरें देख सकते हैं उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से जलमग्न होती हुई झुग्गियाँ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ऐसे लोग हैं जो प्रशासन के लिए चुनौतियाँ बने होते हैं, क्योंकि बार बार मुनादी पीटी जाती है लेकिन ये लोग अपनी झोंपड़ियाँ और कच्चे मकानों को छोड़कर ऊपरी इलाकों के अंदर नहीं जाते हैं। और जब एकाएक यमुना का जलस्तर बढ़ जाता है तब इसी तरह के जो मंजर हैं वो दिखाई देते हैं और लोगों की जान के ऊपर गंभीर खतरा उत्पन्न होता है। इस समय जो वाटर लेवल है यमुना का, वो डेंजर मार्क जो कि 205.33 मीटर है उससे ऊपर बना हुआ है। 206.20 मीटर 11 बजे का वाटर लेवल रिपोर्ट हुआ है और आशंका है कि हत्तीकुंड बैराज से अभी भी पानी दिल्ली की ओर बढ़ रहा है। लिहाजा शाम तक 206.50 मीटर का जो वाटर मार्क है वो यमुना छो लेगी और ये जो झुग्गियां अभी आधी पानी के अंदर हैं वो और ज्यादा पानी के अंदर हो जाएंगी और लोगों को एहतियातन ऊपर के इलाकों के अंदर जाना पड़ेगा। वो यहां पर अपना साजो सामान लेकर बैठे होते हैं और जो मवेशी हैं, आप भैंस की तस्वीरें देख सकते हैं, कपड़ों की तस्वीरें देख सकते हैं, पूरी तरह से पानी के अंदर लबालब हैं। और ये वो हालात हैं जो प्रशासन के समक्ष एक गंभीर चुनौती है, क्योंकि ये लोग ऊपरी इलाकों के अंदर नहीं जाते हैं। बोट क्लब के इंचार्ज हरीश जी हमारे साथ मौजूद हैं जो पिछले काफी समय से ये रेस्क्यू ऑपरेशन को ऑपरेट करते हैं, उनका निरीक्षण करते हैं, सुपरविजन करते हैं। 23 किलोमीटर का स्ट्रेच है जब यमुना दिल्ली के अंदर दाखिल होती है और ओखला तक इसका स्ट्रेच रहता है। 23 किलोमीटर के स्ट्रेच के दौरान करीबन 6 डिस्ट्रिक्ट के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लगाए जाते हैं ताकि किसी भी तरीके से यमुना के अंदर जब जलस्तर उफान पर होता है, खतरे के निशान से ऊपर होता है, तो जानमाल का नुकसान नहीं हो सके। हरीश जी से बात करते हैं प्रशासनिक तैयारियों के मद्देनजर। सर, कितनी बड़ी चुनौती है इस तरह के लोग जो बार बार मुनादी के बावजूद हटते नहीं है, और प्रशासनिक तैयारियां क्या हैं? सर, डीएमए साहब की तरफ से 29 मोटरबोट्स यमुना में लगा दी गई हैं जो राउंड द क्लॉक वर्क कर रही हैं। उनमें 3 दिन गोताखोर भी हैं हमारे पास और लाइफ बॉय, लाइफ जैकेट वगैरह सब इंतजाम है। और इनको पहले ही मुनादी कर करके हम लोग 2 दिन से रेगुलर मुनादी करा रहे हैं कि आप लोग यमुना से बाहर हो जाएं। काफ़ी लोग हो चुके हैं जो 10-12 रह रहे थे, उनको भी हमने रेस्क्यू करा करके उनको बाहर निकाल दिया है। कितने अमूमन ये यमुना की बेल्ट के दौरान लोगों का इस तरह के जीवन यापन चलता है? हजारों की संख्या में होते होंगे? हजारों की संख्या में लोग यमुना में रहने वाले होते हैं, जो कुछ खेती करने वाले होते हैं, कुछ लोग ये अपनी झोपड़ियाँ वगैरह डाल करके रहते हैं, तो उनको पहले ही हम लोगों ने शिफ्ट करा दिया था। डीएमए साहब की तरफ से काफ़ी तैयारियाँ हैं, उन्होंने हर एक डिस्ट्रिक्ट को मैसेज भी दे दिया है कि भाई आप लोग अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, जो 6 डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है यमुना, तो उसको पूरी तैयारियां, टेंट वगैरह, पानी की सुविधा, खाने की सुविधा, डॉक्टर्स की सुविधा सारी करा दी गई है। फॉरकास्ट क्या है, कितना पानी आ रहा है और ये जोखिम कब तक बना रहेगा? ये शायद आज शाम के बाद में भी डाउन होना, वाटर लेवल छोड़ा नहीं गया हत्तीकुंड में। बारिश ही मुख्य कारण है कि एकाएक कोई और स्थिति पैदा हुई? बारिश, दिल्ली की बारिश नहीं है, हिमाचल वगैरह में जो बारिश होती है उसी का इफेक्ट यमुना में हुआ है। अभी तक कितना क्यूसिक पानी रिलीज कर चुके हैं आप लोग, यानी कि दिल्ली से रिलीज होकर यूपी में चला गया है? दिल्ली से काफी पानी रिलीज हो चुका है और यमुना में जो छोड़ा गया था 3 लाख से थोड़ा सा कम था, 2,90,000 के करीब क्यूसिक पानी छोड़ा गया था यमुना में, उसी का इफेक्ट आप लोग देख सकते हैं यमुना में जो पानी आ रखा है। मैं एकदम बीचों बीच हूँ हरीश जी, तो कितनी गहराई होगी इस समय यहाँ पर? करीब कम से कम 22-23 फुट पानी होगा
आप कहें और हमारे पास जो लाइव जैकेट है आप कहें तो मैं इसका डेमो लाइव करा कर दिखा सकता हूँ। ये लाइव जैकेट इतनी परफेक्ट है, इसको पहन करके अगर कोई आदमी कूद जाता है इसके अंदर तो भी डूबेगा नहीं। अच्छा, आपके पास इक्विपमेंट भी है और स्किल्ड लोग भी हैं? जी बिल्कुल। क्या दिखा सकते हैं कोई अगर इस तरह से रेस्क्यू की, ताकि लोगों को ये भरोसा भी बंधे कि अगर इस तरह की आपात स्थिति कोई पैदा होती है तो फेंक भी सकते हैं तो कोई पकड़ करके इसे डूबेगा नहीं। अच्छा जी, ये लाइफ जैकेट है तो आपका कोई भी कर्मचारी अगर यमुना 110 किलो वेट का आदमी भी पहन करके इसको मतलब यमुना में पानी में कूद जाएगा तो भी डूबेगा नहीं। आप लोगों के लिए भी जोखिम होता होगा 24 घंटे रात के वक्त अगर कोई कॉल आ जाए तो किस तरह से काम करते हैं? कॉल आती है, रात को भी आती है, दिन में भी आती है। कुछ लोग ना यमुना से नहीं निकल पाते, उनको जबरदस्ती निकालना पड़ता है। जब ऐसी चुनौतियां हमारे पास सामने आती हैं तो हमारे पास ड्राइवर्स 30 तो बोट क्लब के अंदर ही स्टैंड बाई किए हुए हैं कि स्थिति हर स्थिति से तैयार है। हम लोग मतलब अपनी जान पे खेल करके हम लोगों को जान बचाते हैं। ये इस क्योंकि अगस्त में 205 गया था तो जब ये पानी 206.5 के ऊपर चला जाएगा तो क्या अलग एक मोड के ऊपर काम करना आप शुरू कर देंगे? चूंकि निचली इलाके जैसे निगम बोध गार्ड है या फिर जगतपुरी है, वहां पे पानी अंदर लोगों के अंदर सीवेज से चला जाता है। हाँ, सीवेज से पानी, सीवेज वगैरह जो होते हैं उनको बंद कर दिया जाता है, गेट लगे होते हैं यमुना के किनारे, नाले वगैरह तो उनको सबको क्लोज कर दिया जाता है। तो एहतियातन मोनेस्ट्री या फिर वो जो ब्रिज है वो भी बंद हो जाएगा क्या? हाँ नहीं, अभी बंद करने की आवश्यकता नहीं है, 48 घंटे तक और ऐसा रहता है के बाद आप डिसीजन लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और रैन बसेरे बनने शुरू हो गए हैं कि अभी उसकी जरूरत नहीं है? अलग अलग डिस्ट्रिक्ट ने अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में टेंट्स वगैरह लगा दिए गए हैं, जो लोगों के खाने पीने की व्यवस्था, उनके डॉक्टर्स की दवाइयां वगैरह सब व्यवस्था कर दी गई है। देखिए वो यमुना किनारे आप मवेशियों की भी तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पर फसलों का भी कुछ खेतीबाड़ी का लोग काम करते हैं और इस तरह से अपने पशुओं के साथ जो वो रहते हैं तो उनको आसान नहीं लगता है। उनको लगता है कि जो प्रशासनिक बार बार चेतावनी जारी होती है वो बहुत हल्की है और वो चली जाएगी, लेकिन ऐसा बहुत जोखिमपूर्ण हो जाता है कई बार, चूंकि एकाएक जब जमीन के नीचे पानी पेनिट्रेट होता रहता है तो वो मिट्टी कब आपके पाँव के नीचे से खिसक जाए और कब आप भी पानी की लपेट में आ जाएं, इस बात की आशंका हमेशा बनी रहती है। लिहाजा मवेशियों के लिए तो एक खतरा है ही है। जो यमुना के किनारे 23 किलोमीटर के स्ट्रेच में अलग अलग गांव आते हैं, अलग अलग रैन बसेरे आते हैं, या फिर जब गर्मी लगती है तो लोग तराई की तरफ आ जाते हैं, कच्ची जमीन की तरफ, तो ऐसे लोग प्रशासन के लिए मुख्य चुनौती हैं। अभी तक कितने लोगों को हरी जी रेस्क्यू कर लिया आप लोगों ने? 1000 लोगों को शिफ्ट करा दिया गया है और जो 10-12 भी सोनीवार साइड से हमें कॉल आई थी तो हमने उन लोगों को भी शिफ्ट करा दिया है। अभी आप एक कॉल पर गए थे, वो क्या सिनेरियो था, क्यों फंस गए थे लोग? ये था, कुछ लोग मतलब रात को वो नहीं निकल पाए, उनको बोला भी गया था कई बार, बोलने के बावजूद भी वो नहीं निकले थे। अभी हमारे पास कॉल मिली थी सोनीवार चौथे पुछते पे कि कुछ लोग 10-12 लोग फंसे हुए हैं, तो हमने उनको बोट से ले जा करके उनको, मैं खुद गया था, उनको निकलवाया और सुरक्षित स्थान पर पहुँचा दिया। रात में एक एक पानी बढ़ गया था? जी जी, कल दोपहर से पानी बढ़ना चालू था। तो देखिए जो इस समय हालात बने हुए हैं वो जोखिमपूर्ण बने हुए हैं। ये साल में दूसरी बार हुआ है जब यमुना अपने उफान पर पहुंची है और लगातार जो यमुना का जलस्तर है वो खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। इस साल का पीक है जो जलस्तर इस समय रिपोर्ट हो रहा है 206.20 और आशंका है कि 206.50 मीटर तक ये यमुना का वाटर लेवल जाने की आशंका है। और अगर ये परसिस्टेंट रहता है, यकायक बनी रहती है ये स्थिति और ज़्यादा भयावह होती है, तो एहतियातन जो सरकार की तैयारियां हैं कि रैन बसेरों की संख्या बढ़ाई जाए, बोट्स की संख्या बढ़ाई जाए, सिविल डिसिप्लिन, वॉलंटियर्स, स्विमर्स और रेस्क्यू ऑपरेशंस की जो ह्यूमन स्ट्रेंथ है उसको भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि बारिश अब पहाड़ी इलाकों में भी रुक गई है, हरियाणा में भी रुक गई है और दिल्ली के अंदर भी बारिश नहीं हो रही है। लिहाजा 24-48 घंटे बेहद संवेदनशील है। प्रशासनिक तैयारियों के लिए भी ये चुनौती है और लोगों के लिए भी ये खतरे की बात है। बिल्कुल, और जिस तरह से आपने भी यहाँ पर खतरा मोल लिया है, अपनी जान जोखिम पर डालकर आप मौके पर पहुंचे और ये तस्वीरें आपने हम तक पहुंचाने की कोशिश की, बहुत बहुत शुक्रिया तरुण आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बारिश फिलहाल रुक चुकी है, पहाड़ी इलाकों में भी बारिश रुक चुकी है, अनुमान यही लगाया जा रहा है कि ये जलस्तर धीरे धीरे कम हो जाएगा और लोगों की परेशानी भी कम हो जाएगी।